Hello and welcome to a new video. Now in this video we are going to deal with two problems of gear trend. We are starting with the problems are from Kumi Gupta book. So the first problem is shown here. So problem mein kya likha hai wo padh lete. Will A, D, E are free to rotate independently? Okay, so where is A? There is A, D, E independently on spindle O. Theek hai. While B and C are compound gear. B और C जो है वो compound gear है, ठीक है? And they rotate together. Okay. OP जो है वो arm है. O and P is the arm. All teeth have teeth का जो भी है जो number of teeth है वो दे दिया है और कुछ unknown भी है. Whereas given is will A is driven clockwise at 1 RPS while D is driven counterclockwise at 5 RPS. तो बाकी चीजें find out करनी. Okay. तो इस diagram को मैंने यहाँ note कर लिया है. चलिए अभी सीधा इसके पावर फ्लो पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो हमें सबसे पहली स्टेप होती है कि नंबर ऑफ टेथ अपने होने चाहिए सब गियर्स के, ठीक है? तो देखिए मैशिंग कैसी हो रही है गाइस. यहाँ पे मैशिंग इस तरह से हो रही है कि ये ए गियर से पावर ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है. देखिए ए से पावर ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, बेसिकली बी को, राइट? फिर बी ये किसको देता है पावर, सी को. सी से पावर जा रही है डी के तरफ, वेयर एज ये जो बी है बी से ई पावर भी जा रही है, ठीक है? ये इस तरह से पावर फ्लो. तो पावर फ्लो ध्यान में रखना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द गिवन डेटा. गिवन डेटा क्या क्या है देखिए. टी ए दिया है, टी बी दिया है, टी सी दिया है एंड एन ए भी दिया है. ये इधर आप देख सकते हो नीचे. ओके, एंड एन ए एंड डी जो है टेबल के फाइनल में हमें पता चलेगा. तो सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली जब भी नंबर ऑफ टीथ अननोन होते हैं तो व्हाट वी डू, वी गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टीथ बाय रेडियस मेथड. अभी ये मेथड कौन सी है देखिए, कुछ नहीं करना, डायमीटर को बैलेंस करना है. ओके, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये रेडियस, ये इधर लिखते हैं, ये रेडियस कौन से गियर की, ए गियर की, आर ए. ओके, एंड यहाँ से यहाँ ये पूरा डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये क्या है, टू टाइम्स रेडियस किसकी, बी की. ये बन के क्या बन रहा है एक्चुअली, रेडियस ऑफ ई. तो आई कैन राइट, व्हाट आई कैन राइट, रेडियस ऑफ ई इज इक्वल्स टू आर ए प्लस ट्वाइस आर बी. नाउ इसको फार्मूला में कैसे लिखेंगे, एम टी ई बाई टू इज इक्वल्स टू एम टी ए बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ एम टी बी बाई टू, राइट? तो ये टू टू कट हो गया, एम एम भी कट, एम क्यों कट हो रहा है क्योंकि सब गियर एक दूसरे से मैश कर रहे हैं तो मॉड्यूल तो सेम ही होगा. तो टी इज इक्वल्स टू टी ए प्लस टू टी बी, ये पहला इक्वेशन आ गया. ऑब्वियसली टी ए और टी बी तो दिया ही होगा यार, देख लो एक बार, टी ए दिया है टी बी दिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, टी ई मिल जाएगा. ये क्लियर है सबको ना. सिमिलरली हम लोग अभी जो अभी सेकेंड पेयर है उसको एनालाइज करते हैं. ये क्या हो गया, तो आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर है. तो जो सेकेंड पेयर है उसको एनालाइज करेंगे हम. तो अभी इसमें सेम वही रेडियस वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे. देखिए फिर से अभी डी का वैल्यू आना बाकी है, राइट? तो ये है डी का रेडियस आर डी, राइट? ये किसका किसका एडिशन है, ऑब्वियसली आर ए का एडिशन है. देन यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेडियस है, ऑन यहाँ से यहाँ से और एक रेडियस है, ठीक है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेडियस है, आर ए. यहाँ से यहाँ तक कौन सी रेडियस है, आर बी. एंड फाइनली ये छोटी सी रेडियस किसकी है, आर सी. तो यू कैन राइट, व्हाट यू कैन राइट, आर डी इज इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी. फिर से लिखेंगे क्या, एम टी डी बाई टू इज इक्वल्स टू एम टी ए बाई टू प्लस एम टी बी बाई टू प्लस एम टी सी बाई टू. तो यू विल गेट टी डी इज इक्वल्स टू टी ए प्लस टी बी प्लस टी सी, राइट? बस इससे आप अननोन कैलकुलेट कर सकते हो. तो आई होप ये आपको क्लियर है. अभी सीधा मूव करते हैं टेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? टेबल के लिए, टेबल की प्रोसीजर के लिए हम बढ़ते आगे क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर दो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी ज़्यादा कुछ मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले आपको. तो सीधा टेबल पर जाते हैं. टेबल कैसे करना है देखिए, जैसे मैंने आपको बोला पावर फ्लो एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो वो पावर फ्लो हमने एनालाइज़ कर लिया है.
ओके, और इससे सीधा हम अभी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। एक बार टेबल कंस्ट्रक्ट करना आ गया देन इट्स ऑलमोस्ट डन। चलिए पावर फ्लो फिर से एक बार बताता हूँ आपको। देखिए इधर लिख रहा हूँ, सबसे पहला इनपुट क्या होगा, आर्म। उसके बाद पावर कहाँ जा रही है, ए। ए से कहाँ जा रही है, देखिए ए गियर है ना, ए से कहाँ जा रही है, बी के पास जा रही है, ठीक है। अच्छा, बी और सी ये दोनों कंपाउंड गियर है, इसीलिए दोनों का आरपीएम सेम ही रहेगा। गाइस ये हम लोग जो टेबल बना रहे हैं किसका टेबल बना रहे हैं, आरपीएम का। तो जिनका आरपीएम अलग है वो ऑब्वियसली अलग से कॉलम बनेगा, वेरा जिनका सेम है उनका सेम ही कॉलम बनेगा। तो ए है राइट, एक से बात पावर जा रही है बी को, ओके। बी और सी सेम शाफ्ट पे है, क्यों, क्योंकि लिख के दिया है कंपाउंड गियर है। कौन सा गियर है, कंपाउंड गियर। तो है कैसे, वो देखो ये बी है और ये सी है, दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं, ठीक है। अगर मैं इनका व्यू आपको बताऊं तो ऐसे कुछ होंगे ये, राइट, ओके। सॉरी फॉर सच अ वर्स्ट ड्राइंग। नाउ बी और सी दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं, ओके। अभी देखिए बी से पावर जा रहा है कहाँ पे, बी से पावर जा रहा है ई पे, वेरस सी से पावर कहाँ जा रहा है, डी पे। ये क्लियर है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बी से पावर जा रहा है ई एंड ई से डी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वाई को ज़ीरो अज्यूम करते हैं। वाई मतलब क्या, वाई इज़ नथिंग बट आर्म का इनपुट। सबसे पहले हम लोग आर्म को डिसकनेक्ट कर देते हैं या फिर इफ़ेक्टिव नहीं समझते, इसलिए वाई ज़ीरो। तो हम लोग अभी एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ऑब्वियसली एक ही फार्मूला अपने पास, यार इतना सब सीख रहे तो भी। चलिए फार्मूला इज एन ए, सिर्फ हमें करना क्या, देखिए ए से बी पावर जा रही है, सबसे पहले ए को मैंने अज्यूम कर लिया, लेट से जो ए है वो प्लस एक्स से रोटेट कर रहा है, प्लस मीन्स क्लॉकवाइज, नेगेटिव मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट, प्लस एक्स से रोटेट कर रहा है। तो मैं एन बी कैसे लिख सकता हूँ, एन बी बाय एन ए इज इक्वल्स टू टी ए बाय टी बी, राइट। तो ये एन ए कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो आई एम राइटिंग एक्स इंटू टी ए बाय टी बी, इज इट क्लियर। नाउ प्लीज़ रिमेंबर, अभी ये कौन सी गियरिंग है गाइज, ये कौन सी गियरिंग है, ए और बी, ये एक्सटर्नल गियरिंग है, राइट। तो एक्सटर्नल गियरिंग में अगर ये प्लस से रोटेट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये क्लियर है ना। सिमिलरली अगर हम, अच्छा बी से पावर कहाँ जा रही है, ई तक जा रही है, राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं हम एन ई बाय, एन ई बाय एन बी इज इक्वल्स टू टी बी बाय टी ई, राइट। एन बी को इधर शिफ्ट कर देंगे, एन बी का जो भी आर पी एम आ रहा है। तो देखिए मैं ध्यान से देखिए कैसे लिख रहा हूँ, एन बी तो सबसे पहले टी बी इंटू टी ई तो आ गया, राइट। अभी इंटू एन बी, एन बी का ये है वैल्यू, राइट। लेकिन हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे आप, टी ए बाय टी बी इंटू एक्स। डायरेक्शन अभी नहीं पता है, डायरेक्शन का अभी अनुमान लगाना बाकी है। तो ये गया, ये गया, ओके। तो बचा क्या है यहाँ पे, अगर दोनों तो कट ही होने का कि नंबर ऑफ टिथ है, ठीक है। तो क्या बच गया, इट इज टी ए बाय टी सी, ठीक है, टी ए बाय टी सी। तो टी ए बाय टी सी इंटू एक्स, राइट। अभी डायरेक्शन देखना है, ऑब्वियसली देखो ए अगर प्लस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, बी माइनस में जाएगा, और ई भी कैसे जाएगा, फिर से माइनस, क्यों, क्योंकि ये कौन सी गियरिंग है, इंटरनल गियरिंग है, ये क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, ठीक है। इसके बाद सी से पावर जा रही है डी तक, सी से पावर कहाँ जा रही है, डी तक। तो सी के लिए जो इक्वेशन है वो हम लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, टी डी बाय टी सी, राइट। देखिए सी से पावर डी तक जा रही है ना, इसलिए टी डी बाय टी सी इज टी सी बाय, सॉरी यहाँ पे टी टी सब लिख दिया मैंने, राइट। तो इट्स एन डी बाय एन सी इज इक्वल्स टू टी सी बाय टी डी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एन सी को हम इधर ले जाते हैं, तो एन डी कैसे लिखेंगे यहाँ पे, टी सी बाय टी डी इंटू, एन सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, एक्स इंटू टी ए बाय टी बी। यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी फिर से हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। चलिए अगर ए प्लस रोटेट होगा तो बी माइनस रोटेट होगा, बी माइनस तो सी बी माइनस, क्योंकि दोनों एक ही गियर पे हैं, और अगर ये माइनस तो डी बी फिर से कैसे, माइनस, ये क्लियर है आपको, ओके। दिस इज़ अ टेबल आफ्टर जब हमने आर्म को रिमूव कर दिया या फिर आर्म का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो अगर हम आर्म का इफेक्ट कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होगा, इसको निकाल देते हैं पहला, ओके। आर्म का इफेक्ट कंसिडर करने पे देखो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नाउ आर्म इज़ रोटेटिंग एट
वाई आर पी एम, तो रिजल्टेंट जो होता है वो कभी भी क्या होता है, एडिटिव. ओके, देन वाई इंटू एक्स इंटू टी ए बाय टी सी, देन यहाँ पे वाई इंटू एक्स इंटू टी ए इंटू टी सी बाय टी बी इंटू टी डी. गाइस ये जो फाइनल वाला टेबल बना है यही इम्पोर्टेंट है. अभी ये क्या बता रहा है गाइस, दिस इज़ नथिंग बट रोटेशन ऑफ आर्म, दिस इज़ नथिंग बट रोटेशन ऑफ गियर ए, दिस इज रोटेशन ऑफ गियर बी या फिर गियर सी, दिस इज रोटेशन ऑफ गियर ई एंड दिस इज रोटेशन ऑफ गियर डी, राइट. अभी हमें जो गिवन दिया है, गिवन में क्या दिया है देखते हैं एक बार. एन ए दिया है एंड एन डी. ना एन ए जो है वो 1 RPS क्लॉकवाइज है, वेर एज एन डी इज काउंटर क्लॉकवाइज. तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन ए का वैल्यू कितना दिया है 1 RPM क्लॉकवाइज, मतलब एन ए वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 ये दिया है. एंड एन डी मतलब ये कितना दिया है, वाई माइनस एक्स इंटू टी ए टी सी बाय टी बी दिस इज डी टी डी इज इक्वल टू माइनस 5. माइनस 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज था, राइट. नाउ ऑब्वियसली यू गाइस कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, आपको यहाँ से वाई मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा. और पूछा क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ पी एंड ई. ओ पी मतलब क्या, आर्म. आर्म का रोटेशन कितना है, वाई है, तो वाई एक आंसर हो गया, राइट. एंड दूसरा दूसरा एंड ई पूछा, राइट. तो एन ई में आपको वाई पता है, एक्स पता है, टी ए पता है, टी सी पता है, क्लियर है. तो ये एक प्रॉब्लम था गियर ट्रेन का, बहुत ईजी होता है, एक लाइन में सोल्यूशन निकल जाता है. ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं दूसरा प्रॉब्लम. ना सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा अलग वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ गियर्स और कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा होगा. ओके अरे डिलीट हो जा भाई, राइट. सेकेंड प्रॉब्लम का डायग्राम भी मैंने कैप्चर कर लिया है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट. दिस इज़ द डायग्राम. तो डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत बार पूछा जा चुका है इन एनी एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली गेट एन ई एस सी. ओके तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन वी कैन डिस्कस ओवर इट. क्वेश्चन कहाँ गया, दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इंटरनल गियर ए एंड बी एंड कंपाउंड विल सी एंड डी रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट एक्सिस. तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये ए है, देन ये बी है, ठीक है. इंटरनल गियर ए एंड बी एंड कंपाउंड विल सी एंड डी, सी और डी ये क्या है, कंपाउंड विल है, ठीक है. देन विल ई एंड एफ आर पिन जॉइन टू आर्म जी ई. जी ई जो आर्म है ये इधर, जी और ई ये जो आर्म है, इसमें हम लोग ने दो व्हील लगा दिया है, ई एंड एफ. गियर विथ ए एंड सी एफ एंड बी डी, ठीक है. ये तो सब क्लियर है, गियर के नाम दे दिए, उसके बाद नंबर ऑफ टीथ दे दिए, उसके बाद क्या बोला, स्केच अरेंजमेंट, ठीक है. एंड फाइंड नंबर ऑफ टीथ ऑन ए एंड बी. इफ नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर आर्म जी 100 RPM से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज एंड ए फिक्स है, ए फिक्स मतलब उसका आर पी एम कितना हो गया, 0. तो ये दो इनपुट हमें दिए हुए हैं, तो बोला है कि फाइंड आउट करो स्पीड कितना है बी का, ठीक है. एंड सेकेंड कंडीशन भी दिया है. चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेंटर डिस्टेंस वाला इक्वेशन लगा देते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेंटर डिस्टेंस कैसे हमने एनालाइज करना है, देखिए फिर से वही चीज़, ये इतनी किसकी रेडियस है. अच्छा गाइज ये बी गियर है, राइट. तो ये आर बी है, उसके बाद ये देखिए अगर इसको ऐसा स्प्लिट करूँ तो ये आ गया आर, ये कौन सा गियर है, सी है, तो आर सी. एंड ये आ गया, ये कौन सा गियर है, ई आर ई. तो फिर से कैसे लिख सकते हैं हम, आर बी इज इक्व टू आर ई प्लस आर सी, मतलब क्या, टी बी इज इक्व टू टी ई प्लस टी सी, क्योंकि सब तो कट ही हो जाएगा, ये क्लियर है. उसके बाद दूसरे साइड पे कैसे लिख सकते हैं, ना ऑन दिस साइड ये आ गया आर ए प्लस आर सी, राइट. आर सी हाँ, मतलब टी बी इज इक्व टू टी ई प्लस टी सी, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन.
दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इसमें ये इसका एडिशन एंड देन फाइनली यहाँ। ओके, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा जूम करना ज़रूरी है। राइट, इन दिस डायग्राम नाउ अगर हम प्रॉपरली देखा जाए तो ये एक रेडियस आ गई, ठीक है। हमें किसका डायमीटर निकालना है, ए का डायमीटर निकालना है या फिर ए के नंबर ऑफ टीथ निकालने, तो ये आ गया गाइस आर ए। इस सेंटर से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, राइट। तो ये ऐसे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आ गया क्या, ई जो गियर है उसकी ट्वाइस रेडियस, ठीक है, टू टाइम्स आर ई, राइट। एंड देन ये जो है इसमें ये कौन सा गियर है, सी, तो ये आ गया आर सी। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू टू आर ई प्लस आर सी। प्लीज़ ये पहला इक्वेशन, इसमें बहुत गलती होती है तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, राइट। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ये हम इस मार्कर से ड्रॉ करते हैं, ये इतना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इतना स्प्लिट कर सकते हैं एंड देन ये बचा हुआ, और ये जो टोटल है वो कौन है, आर बी है, ठीक है। तो आर बी को कैसे लिख सकते हैं, आर बी इज इक्वल टू ये ट्वाइस आर एफ, एंड ये क्या है, ये कौन सा गियर है, डी, तो ये आर डी, तो आर डी प्लस ट्वाइस आर एफ, ठीक है। इसमें फिर से तीत अगर हम लोग पुट कर दे तो आपको आर ए एंड आर बी मिल जाएंगे, ये क्लियर है आपको, ओके ना। इसके बाद आपका जो इनपुट, मतलब इससे जो आपको आउटपुट आया वो क्या है, टी ए एंड टी बी। ना मूविंग ऑन, इसका हम लोग सीधा टेबल बनाते हैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, दो चीज़ें आपको कभी भी दी होंगी, ओके, मतलब दो इनपुट्स आपको पता होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी इनपुट नहीं दिया है और कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है गाइस, पावर फ्लो एनालाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि देखिए डी से पावर जा रही है, अच्छा डी और सी तो इंटरनल गियर है, मतलब दोनों को सेम ही पावर जाएगी, क्योंकि शाफ्ट उनका यहाँ पे। डी से पावर कहाँ जा रही है, एफ़ पे, एफ़ से वो कहाँ जा रही है फाइनली बी के तरफ, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डी, अच्छा डी और सी को मैं ऑब्लिक करके लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का आरपीएम सेम ही रहने वाला है, कंपाउंड गियर, ओके। डी और सी आ गए, देन डी सी, ओके, देन पावर कहाँ जा रही है, देखिए डी से इस छोटे गियर एफ से तरफ एंड एफ से बी के पास, तो पावर गई यहाँ पे F एंड F से B, ये क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ड्राइवर कौन है, C है, क्योंकि वो कंपाउंडेड है, तो C से पावर कहाँ गई, E से कहाँ गई, A, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, C तो लिख दिया हमने, इसके बाद आ गया E एंड E से फाइनली गया A, राइट। यहाँ पे सबसे पहला अपना इनपुट आता है कौन, आर्म, पहली चीज़ में आर्म को हम लोग कितना ले लेंगे, ज़ीरो, देन D या फिर C को मैं अज्यूम करता हूँ कि ये रोटेट हो रहा है प्लस एक्स, ओके। एन एफ कैसे लिखेंगे, एन एफ कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए ऐसे एन एफ बाय एन डी, क्योंकि एफ और डी इंगेज है, इज इक्वल टू टी डी बाय टी एफ, तो एन डी उधर चला गया, तो एक्स इंटू टी डी बाय टी एफ, ये क्लियर है, ओके। अच्छा प्लस और माइनस, माइनस आएगा क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देन बी, बी कैसे लिखना है, फिर से एन बी बाय एन एफ इज इक्वल टू टी एफ बाय टी बी, तो एन एफ उधर चला गया, तो ये आ गया यहाँ पे टी एफ बाय टी बी इंटू एन एफ का जो वैल्यू है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, एन डी बाय एन एफ इंटू एक्स, फिर से माइनस साइन लिख दिया क्योंकि वो इंटरनल गियरिंग थी, तो ये एन एफ एन एफ ऑब्वियसली कट हो जाएगा, ओके, ये कट आप बाद में कर लेना। नाउ अभी ई, ई को पावर कौन दे रहा है, ई को पावर दे रहा है सी, तो इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं, एन ई बाय एन सी इज इक्वल टू टी सी बाय टी ई, तो ये एन सी उधर चला गया, तो आई कैन राइट टी सी बाय टी इंटू एक्स, राइट, फिर से माइनस साइन आ गया क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल गियरिंग है। देन फाइनली ए, ए के बारे में कैसे लिखते हैं, ए, ए को पावर कौन दे रहा है, ए इज़ ड्रिवन बाय ई, राइट, तो ऐसे लिखेंगे एन ए बाय एन ई इज इक्वल टू टी ए बाय टी ई बाय टी ए, तो एन ई उधर चला गया, तो दिस इज टी ई बाय टी ए इंटू ये जो एन ई का वैल्यू है एक्स इंटू
टीसी, फिर से माइनस आ गया क्योंकि इंटरनल की आ रही है। देन वी विल ऐड इनपुट ऑफ आर्म, फाइनल कैसे आएगा टेबल, राइट right. तो ये जो भी कॉमन चीज है वो कट हो रही है, ये टी ई है, टी टी कट हो गया इनटू टी सी बाय टी ए, राइट। तो अभी ये जो बना है कॉलम फाइनल वाला, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, राइट। ये क्या है आर्म का रोटेशन, ये है डी या फिर सी का रोटेशन, ये है एफ का रोटेशन, बी का रोटेशन, ई देन ए का रोटेशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हमें जो भी दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं, इफ़ आर्म जी मेक्स 100 आरपीएम क्लॉकवाइज एंड ए इज़ फिक्स्ड, ओके आर्म, ये आर्म है इधर, ठीक है, इसके कितने हैं 100 आरपीएम, मतलब वाई का सीधा वैल्यू दे दिया 100 आरपीएम क्लॉकवाइज, एंड दूसरा क्या बोला है ए, ए इज़ फिक्स्ड, ए फिक्स है मतलब ये एन ए, एन ए का वैल्यू कितना है जीरो, फिक्स्ड मीन जीरो आरपीएम ऑब्वियसली, ठीक है। तो आपको ये मिल गया y इंटू टी ए टी सी वाई टी ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये दो इक्वेशन आप सॉल्व कर दो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, इसको इसमें पुट कर दो x मिल जाएगा और फिर जो निकालना है निकाल लो, समझ रहे हो, ओके। अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है तो y और x निकालो और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सब निकाल के ब्रैकेट में आके छोड़ दो, ठीक है। चलिए तो दीज वेयर टू प्रॉब्लम फॉर गियर ट्रेंस, एंड एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं और, इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ना कंप्लीट गियर ट्रेन में देर आर थ्री टाइप ऑफ टॉर्क्स, एक होता है इनपुट टॉर्क, एक होता है आउटपुट टॉर्क और एक होता है फिक्सिंग टॉर्क, ठीक है। और इन तीनों का समेशन कभी भी ज़ीरो होता है, मतलब इनपुट आउटपुट और फिक्सिंग इन तीनों को बैलेंस हम कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट और फिक्सिंग इन तीनों को हम बैलेंस कर सकते हैं, इनपुट मतलब जो इनपुट शाफ्ट है उस पे जो हमने टॉर्क दिया था, आउटपुट मतलब जो आउटपुट शाफ्ट पे जो टॉर्क मिला, एंड फिक्सिंग मतलब जिस गियर को हमने फिक्स किया है उस पे जो भी हम लोग ने फिक्सिंग के लिए अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाया था वो भी ज़ीरो है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम जो नोट्स में हमारे पास है वो देख लेते हैं, राइट ये यहाँ पे चीज़ है वो। तो फिक्सिंग टॉर्क इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ओके तो ये चीज़ मैंने जैसे आपको बताई, तीनों टॉर्क का समेशन कभी भी ज़ीरो होगा, ओके तो ओके फिक्सिंग टॉर्क को होल्डिंग टॉर्क भी आप बोल सकते हो, एक मिनट, राइट। इसमें हम लोग एक इक्वेशन निकालते हैं एफिशिएंसी वाला इक्वेशन, ओके वैसे ये ज़्यादातर पूछते नहीं है बट स्टिल, तो ये था इनपुट टॉर्क प्लस आउटपुट टॉर्क प्लस फिक्सिंग टॉर्क, इसका वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ओके एंड इसका क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, अच्छा ये बेसिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है यार, ये भी हम यहाँ लिख लेते हैं, चलो एफिशिएंसी ऑफ गियर ट्रेन कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली टी ओमेगा एट आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट ओमेगा इनपुट, ठीक है। तो यहाँ चला गया, अच्छा आउटपुट में कभी भी चीज़ें जो होती है वो नेगेटिव होंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में घूमने वाली है, तो ये आ गया टी इनपुट इनटू ओमेगा इनपुट, ये इधर चला गया तो प्लस इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये दो इक्वेशंस हैं अपने पास। अभी आपको पूछेंगे क्या, आपको इनपुट टॉर्क दे देंगे, इनपुट ओमेगा दे देंगे, आउटपुट टॉर्क, आउटपुट ओमेगा, एफिशिएंसी भी दे देंगे, ओके एंड या फिर कोई भी चीज़ों में से एक अननोन छोड़ देंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट करो होल्डिंग टॉर्क कितना है या फिर फिक्सिंग टॉर्क कितना है, तो आपको कभी भी ये दो इक्वेशन यूज़ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो इनपुट दिया है हमें, इनपुट टॉर्क दिया है, एफिशिएंसी भी दे दिया है, तो यहाँ से हमने आउटपुट टॉर्क निकाल लिया और जो फाइनल तीनों का एडिशन जो होता है उसको हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, फिक्सिंग टॉर्क निकाल दिया, ठीक है, दैट्स इट। तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक मैकेनिकल एडवांटेज वाला फार्मूला है। अब सिर्फ एक नई चीज़ है वो आपने देखनी है, ये इधर, ठीक है, देखिए ये डायरेक्शन का सेंस है, इन
केस ऑफ इन केस ऑफ नॉर्मल गियरिंग, नॉर्मल गियरिंग पर गियर में अगर हो रही है तो उसमें ऐसा होता है कि गाइस अगर हम दोनों को मैश कर रहे हैं, ये अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा मैंने फॉर पर गियर वन आइडलर, मतलब सेम डायरेक्शन, राइट, ये वन आइडलर है, तो अगर ये क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये फिर से क्लॉकवाइज जाएगा, ये कौन से गियर है, स्पर गियर, तो एक अगर आइडलर है तो ये सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, लेकिन बिवल गियर अगर आ गए, ये बिवल गियर है यहाँ पर, अगर बिवल गियर आ गए तो अगर एक आइडलर आ जाता है तो उसमें डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, मतलब इसका देखिए ये एक बिवल गियर है, वैसे बिवल गियर का क्वेश्चन चांसेस तो कम होते हैं, बट स्टिल पूछ लिया तो पूछ भी सकते हैं यार। तो अगर ये क्लॉकवाइज है इसका सेंस आप नहीं बता सकते, ठीक है, जो आइडलर है उसका सेंस आप नहीं बता सकते, देखो यहाँ लिखा है वी कांट प्रेडिक्ट इट्स रोटेशन, बट द थिंग इज इफ देर इज वन आइडलर देन डायरेक्शन विल ऑलवेज बी अपोजिट, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सिमिलरली या फिर अपोजिट सेंस में हम लोग ने स्पर गियर में भी देखा था कि अगर स्पर गियर में क्लॉकवाइज है तो इधर एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इधर फिर से क्लॉकवाइज, तो ये जनरली ऐसा है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एक अगर आइडलर लगा है तो, और ये अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कभी भी अगर आप स्पर गियर का क्वेश्चन स्पर गियर एंड बिवल गियर में अगर कंपेयर कर रहे हो, या फिर बिवल गियर का क्वेश्चन अगर आ गया गलती से, तो जो डायरेक्शन होता है वह बिवल गियर में कभी भी अपोजिट होगा एक आइडलर की वजह से, वेर स्पर गियर में कभी भी सेम होगा। ओके, थैंक यू एंड होपफुली नेक्स्ट वीडियो में